देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात कार्यकर्ताओं के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। वहीं रुड़की में भी बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, कार्यकर्ता और युवाओं ने पीएम की मन की बात सुनी। मन की बात को सुनने के बाद कार्यकर्ताओं ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। साथ ही पीएम ने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने देशवासियों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मेडल जीतते चले गए। पीएम के मन की बात को सुनने के लिए हर मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जादी की रिपोर्ट। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला जिनकी वास्तव में आज के समय में नितांत आवश्यकता है। जल संरक्षण को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जल संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि जैसे कहा जाता है कि ये बात होती है कि आने वाला जो तीसरा युद्ध है, विश्व युद्ध है, वो जल पर होने वाला है, क्योंकि जल घट रहा है, जल स्तर घट रहा है, जल के आने वाले ग्लेशियर घट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जल संरक्षण करें, जल को खराब ना करें। ऊर्जा मिली है, बोलते हैं कि मैं अब इस कार्यक्रम को हर बार जरूर देखा करूंगा, सुना करूंगा और अपने साथियों को जरूर बताया करूंगा। और मेरे अंदर जो ऊर्जा मिली है आगे बढ़ने की, मैं देश का प्रतिनिधित्व आगे भी करूंगा और करता रहूंगा। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।